तो अब आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशन पे, और पहली एप्लीकेशन करते हैं हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। अभी हम हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आज। तो चलिए मेरे बच्चों, हॉर्स एंड कार्ट की तरफ लेके चलता हूं। ये है आपके सामने हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। ये मैंने घोड़ा बनाया बेटा, ये मेरी ड्राइंग है, तो प्लीज मेरी ड्राइंग पे कोई हंसे ना, क्योंकि ये ड्राइंग जैसी भी है, ये इसकी पूंछ है, ये हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। अच्छी नहीं लग रही पूंछ, तो पूंछ हटा देते हैं, एक ही पूंछ रहने देते हैं, ये रहने दो, अच्छा लग रहा है। ये बेटा हमारा हॉर्स है और ये हमारा कार्ट है, घोड़ा गाड़ी प्रॉब्लम। तो आज चलते हैं हम लोग घोड़ा गाड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ का यहाँ बहुत यूज होने वाला है। तो देखेंगे मेरे बच्चे, मैंने माना कि इस कार्ट का जो मास है वो कैपिटल एम है, कैपिटल एम है, कैपिटल एम इज व्हाट, मास ऑफ कार्ट, मास ऑफ कार्ट, ये कार्ट का मास है, गाड़ी का कैपिटल एम है, और जो छोटा वाला एम है ये मास ऑफ हॉर्स है, ये मास ऑफ हॉर्स है। अब बेटा एक बात बता मेरे यारा, मैं सोच सोच के हारा, ये दुनिया क्या दुनिया है, ये चक्कर क्या है सारा। बच्चे इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट होगा, ओ क्या इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट होगा, ओ क्या इसका उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर रिएक्शन फोर्स होगा, क्या उसको बैलेंस करने के लिए रिएक्शन फोर्स होगा। अब मैंने कहा कि भाई रिएक्शन फोर्स होगा, तो मैंने कहा दैट विल बी अ कैपिटल एम जी, दैट विल बी अ स्मॉल एम जी। मान लो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने नॉर्मल रिएक्शन एन लिखा, इसको बैलेंस के लिए मैंने आर लिखा। अब क्या होता है बेटा, ये हॉर्स जो है ना आगे की तरफ पुल करता है कार्ट को, ये आगे की तरफ लेके जाता है, और जब ये आगे की तरफ लेके जाएगा तो कार्ट इसके पीछे पीछे चलता आएगा, और ये जो है ये जो आप देख रहे हैं दैट इज रोप, रस्सी, जिसने इन दोनों को आपस में जोड़ के रखा हुआ है, ये वो रस्सी है जिसने इसे जोड़ के रखा हुआ है आप लोगों ने। अब क्या होता है मेरा बच्चा, मेरा बाबू इधर ध्यान दे, क्या होगा भाई, हॉर्स ने इसको आगे की तरफ पुल किया, ऐसे खींचा, हॉर्स ने उसे आगे की तरफ खींचा। यार मुझे कलर पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि यार फिर वो एक ही लाइन में रोप वाली लाइन में एक जैसा लगने लगेगा, और कलर लेते हैं डार्क ग्रीन, ऐसे करके आगे की तरफ उसने खींचा। अब जब उसने आगे की तरफ खींचा तो नो डाउट अबाउट दैट यहां पर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ कार्ड में, और नो डाउट अबाउट दैट कि इनके बीच में यहां पर फ्रिक्शन लग रहा होगा, ये फ्रिक्शन एक्ट हो रहा होगा। अब ठीक है, इस फ्रिक्शन को उठाकर, इस फ्रिक्शन को उठाकर हम लोग यहां बना लेते हैं, ये फ्रिक्शन है, इस वेक्टर को उठाकर हम यहां बना लेते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा बच्चे, ध्यान देंगे आप लोग बेटा, ये फ्रिक्शन है एफ, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन है, ये बेटा मेरा एक्सेलरेशन है, ये हॉर्स ने लगाया हुआ फोर्स है। बट जब हॉर्स इसे आगे खींच रहा होगा, फ्रिक्शन इसे अपोज कर रहा होगा, तो इस रस्सी में एक टेंशन पैदा होगा, इस रस्सी में एक टेंशन पैदा होगा, और टेंशन कैसे पैदा होगा, इस हॉर्स के फोर्स के अपोजिट, न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इस हॉर्स के फोर्स को ये बैलेंस करेगा। तो रस्सी में टेंशन ऐसे, इसको अपोज, इसको बैलेंस करने के लिए टेंशन इधर पैदा होगा, और इसको बैलेंस करने के लिए टेंशन इधर पैदा होगा। ध्यान देने योग्य बातें, नोट करने योग्य बातें, अगर हमारे पास एक रस्सी है, नोट, सिंगल रस्सी है, अगर मेरे पास एक ब्लॉक ये रहा और एक ब्लॉक ये रहा, ये दो ब्लॉक्स हैं मेरे पास मेरे बच्चे। अब ये ब्लॉक्स हैं तो इस ब्लॉक में अगर टेंशन डेवलप्ड होता है, कोई इधर खींच रहा है इसको, कोई इधर खींच रहा है, तो इस वाले फोर्स को बैलेंस करने के लिए टेंशन इधर डेवलप्ड होगा, इस वाले को बैलेंस करने के लिए इधर टेंशन डेवलप्ड होगा, और एक रस्सी में एक ही टेंशन डेवलप्ड होगा, और इस तरीके से डेवलप्ड होगा मेरे बच्चे। हाँ, है ना, पक्की वाली बात,
पक्का पक्का ओके okay. तो यार हमने इस तरीके से देखा कि यहाँ पर एक्सेलरेशन इस तरीके से डेवलप हो रहा है, फ्रिक्शन ये बन रहा है. तो अब यार हम इक्वेशन करते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि कितना टेंशन डेवलप होगा, हम निकालने की कोशिश करते हैं कि कितना एक्सेलरेशन डेवलप होगा. करें तो आप सुनिएगा इस क्वेश्चन को करते हैं मेरे बच्चे, तो यहाँ ध्यान देंगे. हम काम करते हैं, थोड़ा इसको उठा के लेके चलते हैं दूसरी तरफ, और इसको उठा लेते थोड़ा सा छोटा करते पहले, ये थोड़ा इसे खिसका दें इधर 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 ओके चलो छोड़ दो यहीं पे, इस वाले को हटा देते हैं ताकि हम यहाँ पे आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे. चलो मेरे बच्चों अब हम निकालने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से टेंशन डेवलप होगा, कितना कितना फोर्स डेवलप होगा. चलिए देखते हैं. मैंने कहा एट पॉइंट ऑफ हॉर्स, हॉर्स के पॉइंट पर आते हैं मेरे बच्चे, एट द पॉइंट ऑफ हॉर्स, सुस्ती नहीं फैलाने का, एट द पॉइंट ऑफ हॉर्स. अब मैं हॉर्स के पॉइंट पर आऊं तो ध्यान दे, क्या एच इधर डेवलप्ड हो रहा है, क्या टेंशन इधर है, और क्या एक्सेलरेशन इधर है. बेटा अगर कोई भी बॉडी पे फोर्स लगे, कोई भी बॉडी पे अगर फोर्स लगे और बॉडी पे फोर्स लगने के बाद उसके अंदर एक्सेलरेशन डेवलप्ड हो रहा हो, तो आप अपने दिमाग से एक क्वेश्चन पूछेगा कि दोनों में से बड़ा कौन, और जिस तरफ एक्सेलरेशन हो रहा होगा वही फोर्स पड़ा होगा. अगर ये दोनों बराबर होते बेटा तो एक्सेलरेशन ही डेवलप नहीं होता, अगर ये बड़ा हो जाता तो गाड़ी इधर चली जाती, तो एच को बड़ा होना पड़ेगा. तो कंडीशन में देखा मैंने कि एच बड़ा है टी से, और आप लोगों को सेकेंड लॉ ऑफ मोशन याद होगा बेटा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. जब मैं एक बॉडी ये एक मास पे फोर्स लगाऊंगा तो उसके अंदर कितना एक्सेलरेशन डेवलप होगा, तो हाँ अगर हमें उसे कैलकुलेट करना है तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, एफ इक्वल टू एम ए. हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एफ इक्वल टू एम ए. तो बच्चों यार अगर सपोज कीजिए जब भी मुझे फोर्स फाइंड आउट करना है, कभी भी मुझे फोर्स फाइंड आउट करना है, ऐसी कंडीशन में मुझे फोर्स फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, मैं कहूंगा बड़ा फोर्स अपॉन बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, यानी एच माइनस टी, क्या नेट फोर्स आ गया, इक्वल टू एम ए. अरे यार हॉर्स का मास छोटा एम था, लेट इट बी इक्वेशन नंबर वन. इसे इक्वेशन नंबर, बेटा एक बात था, आप एक बंदे को खींच रहे हैं 40 न्यूटन से और वो बंदा आपको 10 न्यूटन से अपोज कर रहा है, तो वो जो एक्सेलरेशन डेवलप्ड हुआ होगा वो 30 न्यूटन की वजह से हुआ होगा. यार 40 से खींच रहे थे आप, 10 वो आपको अपोज कर रहा था, तो नेट फोर्स कितना बचा, 30 बचा. अबे जो एक्सेलरेशन डेवलप्ड हुआ 40 की वजह से नहीं हुआ, वो 30 की वजह से एक्सेलरेशन डेवलप्ड हुआ. तो एच माइनस टी इक्वल टू एम ए, बोल हाँ या ना. और जो सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे, थोड़ा मेरा साथ देंगे सेकेंड इक्वेशन बनाने में, एट द पॉइंट ऑफ कार्ट, एट द पॉइंट ऑफ कार्ट, कार्ट की बात करें तो कार्ट पे क्या होगा, ध्यान देंगे, टेंशन इधर, फ्रिक्शन इधर, और एक्सेलरेशन तो इधर डेवलप्ड हो रहा है. तो वीडियो को पॉज करके सोचिए मेरे बच्चे इक्वेशन क्या बनेगा, सोचिए कि इक्वेशन क्या बनेगा. भाई दोनों में से बड़ा कौन, टी बड़ा होगा क्योंकि एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, तो क्या होगा, टी माइनस एफ इक्वल टू, अब इसका मास तो कैपिटल एम था, तो कैपिटल एम ए, लेट इट बी इक्वेशन नंबर टू. इज इट ओके, इज इट ओके. अब यहां ध्यान देंगे आप, एक इक्वेशन बनी एच माइनस टी इक्वल टू एम ए, एक इक्वेशन बनी एच माइनस टी इक्वल टू स्मॉल एम ए, और एक इक्वेशन बन रही है हमारे पास टी माइनस एफ इक्वल टू बड़ा एम ए, टी माइनस एफ इक्वल टू कैपिटल एम ए. ये आपकी इक्वेशन नंबर वन बनी है बेटा, और ये इक्वेशन नंबर टू बनी है. मैंने कहा फ्रॉम वन प्लस टू की बात करते हैं, तो अगर मैं वन प्लस टू की बात करूंगा तो बेटा एच माइनस टी
प्लस टी माइनस एफ, हमने इस साइड को छोड़ दिया, एच माइनस टी प्लस टी माइनस एफ, एम ए कैपिटल एम ए. अब क्या टी से टी कैंसिल आउट हो गया? एच माइनस एफ इक्वल टू ए कॉमन ले लो. तो एक्सेलरेशन क्या आया मेरे पास? एच माइनस एफ इक्वल टू, हाँ है ना? मेरा, मेरी बात समझिएगा मेरे बच्चे, मेरी बात समझिएगा कि एक्सेलरेशन आया. एक एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझिएगा कि यार एक बॉडी है, ये रस्सी है, ये ब्लॉक है और ये भी एक ब्लॉक है. एक बंदा इस ब्लॉक को खींचने के लिए 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और यहां पर इसको अपोज कर रहा है 20 न्यूटन से. 20 न्यूटन से क्या अपोज कर रहा है, छोड़, मान ले 10 न्यूटन से अपोज कर रहा है, 10 न्यूटन से अपोज कर रहा है, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन इस साइड डेवलप होगी. मान ली 10 किलो का वजन है और इसका 5 किलो वजन है. ओके, एक्सेलरेशन निकालना है यार, तुझे एक्सेलरेशन निकालना है सीधा. एक्सेलरेशन निकालो, नेट फोर्स. यार देख, एफ इक्वल टू एम ए होता है और ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन में एम हो जाएगा, एफ अपॉन में एम. एक्सेलरेशन हो जाएगा ए इक्वल टू एफ अपॉन में एम. तो भाई नेट फोर्स, नेट फोर्स यानी 40 माइनस 10 अपॉन में टोटल मास 15 आंसर आ जाएगा. डिवाइड कर ले, 30 अपॉन 15 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ या ना? यार एक्सेलरेशन डेवलप करवा दिया मैंने यार, बहुत इजीली एक्सेलरेशन डेवलप हो गया. अब यहां पे एक्सेलरेशन आ गया मेरे बच्चों, नेट फोर्स अपॉन में टोटल मास, नेट फोर्स अपॉन में टोटल मास. अब बंदे ने क्वेश्चन पूछा होता कि टेंशन फाइंड आउट कीजिए, टेंशन फाइंड आउट कीजिए, टेंशन कैसे निकालेंगे. अब आपके पास इक्वेशन थी एच माइनस टी इक्वल टू छोटा एम ए और एक थी टी माइनस एफ इक्वल टू बड़ा एम ए, बड़ा एम ए. अब बंदे ने क्वेश्चन पूछा कि टेंशन निकालो. मैंने कहा फ्रॉम 1/2, 1 को 2 से डिवाइड करता हूं. अब मैं 1 को 2 से डिवाइड करूंगा तो h माइनस टी इक्वल टू टी माइनस एफ इक्वल टू स्मॉल एम ए कैपिटल एम ए, ए से ए कट गया. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यार, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. देखो कैपिटल एम इंटू में एच, कैपिटल एम इंटू में टी, स्मॉल एम इंटू में टी, स्मॉल एम इंटू में एफ. अपन को टेंशन निकालना कि कितना टेंशन डेवलप हुआ होगा. मैं इसको इधर लेकर आया, मैं इसको इधर ले आया, तो कैपिटल एम एच प्लस कैपिटल स्मॉल एम इंटू में एफ इज इक्वल टू स्मॉल एम टी प्लस कैपिटल एम टी. यहां पे क्या हुआ, कैपिटल एम एच प्लस एम इंटू एफ इज इक्वल टू टी कॉमन आ गया, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम. तो टेंशन का फॉर्मूला आया कैपिटल एम एच एम इंटू एफ अपॉन में स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम. दैट इज ऑल अबाउट द टेंशन, दैट इज ऑल अबाउट द टेंशन. अब बेटा एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपका होमवर्क है करना. एक लड़का है बेटा, वो ना एक रस्सी को खींच रहा है. लड़का ठीक नहीं बना, चलो अब ठीक बनेगा और रस्सी ले लेते हैं कुछ कल दूसरे कलर की. ये रस्सी है, किसी भी चीज को खींच रहा है. अब जिसे वो एक ब्लॉक को खींच रहा है, किसी को भी खींच रहा है, वो ब्लॉक 20 केजी का है,
ठीक है, और फ्रिक्शनलेस सरफेस पे ये जो रखा हुआ है वो हमारा एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। आपको फाइंड आउट करना है इसके अंदर टेंशन, और ये पता करना है कि कितना फोर्स लगा रहा है। जब इस पे एक्सेलरेशन जो डेवलप करवा पा रहा है ये वो 2 मीटर पर सेकेंड का करवा पा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड को एक्सेलरेशन। आपको एक्सेलरेशन पता है, आपको फोर्स निकालना है, और जब बंदे का मास टोटल 30 kg हो, बंदे का मास 30 kg, तो आपको टेंशन भी फाइंड आउट करना है, रस्सी के अंदर टेंशन कितनी बनेगी, और आपको ये बताना है कि फोर्स कितना लगेगा। और इस तरीके से था ये हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, आई होप आपको समझ में आया होगा हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं आपको कराऊंगा व्हाई न्यूटन्स सेकंड लॉ इज अ रियल लॉ ऑफ मोशन। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।